नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिवहर। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से टिकट पाने के बाद पूर्व राजद जिलाध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने लाइव शिवहर के साथ खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है बाहरी मुक्त बेलसंड को बनाना, क्योंकि लोकल उम्मीदवार नहीं होने के कारण सरकार तक जनता से जुड़ी जन समस्याएँ नहीं पहुँच पाती है। दुर्गा पूजा के आयोजन के संबंध में भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार चुनावी रैलियों के लिए कोरोना काल में छूट दे रही है, उसी तरह लोक आस्था का पर्व भी दुर्गा पूजा के लिए सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए। देखिए पूरी खबर लाइव शिवहर संवाददाता भास्कर कुमार के साथ। सर, आपने जो लोक समता पार्टी के टिकट से यहां से चुनाव लड़ने का तैयारी किया है, वो किस तरीके से किया है? बाहरी भगाओ, बेलसन बचाओ, या कोई और मुद्दा है आपका? देखिए, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार बायली मुक्त बेलसन के लिए। अब लोग कहते हैं कि संविधान में लिखल है कि कोई आदमी कहीं से लड़ सकता है। रे भाई, तो ये बताओ ना कि संविधान में ये कहाँ लिखल है कि बेलसंड के लोग न लड़ेगा, यहाँ बायलिए रहेगा दोनों बगल से प्रमुख गठबंधन की ओर से। तो जनता जग चुकी है, अपन माटी अपन लोग का जो नारा है बायली मुक्त बेलसंड का, इसके अलावे कोई बात नहीं होनी। तो इसलिए हमारा इशू स्थानीय का है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10 वर्षों से बेलसंड का आवाज सदन में बंद है पटना में। वो आवाज को जिंदा रखना है, इसके लिए जनमानस तैयार है बिल्कुल, कि एक सक्षम नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व, लोगों के सुख दुख में रहने वाला नेतृत्व बेलसंड की धरती से जाएगा। ये तय कर लिया है लोगों ने यहाँ। और जगह जगह जो दुर्गा पूजा हो रहे हैं, सरकार उस पर गतिविधियाँ लगातार दे रहे हैं। मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, फतेहपुर चौक पर जो पूजा हो रहा है जी, 4 गाली से प्रशासन इस रूप में आया जी, कि जैसे कोई यहाँ माता का स्थान नहीं, कोई अपराधी छुपा हुआ हो इस पंडाल जी। और प्रशासन मापदंड तय करता है कि पंडाल का लंबाई चौड़ाई क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, धर्म के जो लोग ठेकेदार कर रहे हैं हिंदू धर्म का, सरकार, व्यवस्था, प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं, कि क्या चुनाव में नेताओं के सभा का भी पंडाल का कोई सीमा निर्धारण करिएगा? तो राजनेताओं के राजनीतिक कार्यक्रम के लिए कोई माप नहीं है, कोई मानक नहीं है। टिकट लेके लोग आ रहे हैं और धन बल का प्रयोग कर करके हजारों हजार की संख्या में गाड़ी का काफिला निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैली की तैयारियां कर रहे हैं, मंच बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म का, आस्था का प्रतीक दुर्गा माता का पूजा, पवित्र पूजा हम लोगों का है नवरात्रि का, उसमें तरह तरह का बंदिश लगाया जा रहा है। कौन सा भाई न्याय है, समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा हैं, इतना क्रूरता कहीं किया गया है किसी आस्था के खिलाफ, तो एक घनघोर बात है, हम इसका प्रतिकार करते हैं। और एक गलत बात है, इसके जितना निंदा किया जाए सरकार और प्रशासन के गतिविधि का, वो कम है। सर्व धर्म को, लोगों को अपना स्वतंत्रता है कि अपने आस्था के साथ एक करे। प्रशासन ऐसे करता है कि जैसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, कहीं मूर्ति बन रहा है, पंडाल बन रहा है, तो जुलूम हो रहा है। 2 दिन पहले शिवहर के माननीय विधायक जी भी लॉकडाउन का, मतलब COVID-19 का धज्जिया उड़ाए हैं, और लगभग हजारों हजारों की संख्या में अपनी गाड़ी लेके गए हैं, उन पर FIR भी दर्ज हुआ है, उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैंने देखा था उस काफिला को, और मेरा अपील है ऐसे लोगों को कि COVID-19 का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। शक्ति प्रदर्शन के बहुत सारे उपाय हैं, जनता जो बटन दबाती है शक्ति वहाँ होना है, हवा पानी की गिनती नहीं होना है, वोट की गिनती होना है। अरे लोगों का दिल जीतिए, क्या 5 साल लूटते हैं और नौजवानों को बरगला कर करके भाड़े पर गाड़ी, भाड़े पर मोटरसाइकिल मंगा करके और प्रदर्शन करा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र के लिए कलंक है। जो जा रहे हैं उनके लिए भी शर्म की बात, और जो किराए पर कार्यकर्ता खोज रहे हैं उनके लिए भी शर्म की बात है। ठीक है सर, लाइव से जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत